हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोनेटिक्स पे चर्चा करेंगे। फोनेटिक्स इंग्लिश का टॉपिक है जो कि पेडागॉजी में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फोनेटिक्स क्या होता है? पार्ट ऑफ साउंड है, यानी ध्वनि। देखिए, ध्वनि का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम, ये सब फोनेटिक्स का ही पार्ट है इंग्लिश में। और फोनेटिक्स के 44 सिम्बल्स होते हैं, और जिसमें कि 20 वोवल्स होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा है 5 वोवल्स होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बट फोनेटिक्स में, साउंड में 20 वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 24। फिर वोवल्स को भी दो भागों में बांटा गया है, 12 मोनोथोंग और 8 डिप्थोंग। अब मोनोथोंग और डिप्थोंग क्या होता है? देखो, मोनो से ही समझ जाओगे आप, सिंगल वोवल साउंड होती है जिसमें, और डिप्थोंग देखो डाई से आपको पता चल जाएगा, डबल यानी दो। तो मोनोथोंग का मतलब होता है कि अगर कॉन्सोनेंट वोवल इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है, इनको प्योर वोवल्स बोलते हैं, ठीक है। और जैसे इसका एग्जांपल मैंने लिया गुड, इसमें गुड ऊ की जो साउंड आई है, ऊ यानी ओ की जो साउंड आई है, दैट इज़ अ वोवल, एंड वो सिंगल एक बार आई है। तो जी जैसे हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ऊ यानी हमारा वोवल हो गया, और डी गुड, ठीक है। और अब डिप्थोंग की बात करें, यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वोवल की सीरीज तो चलती है, बट बीच में कहीं ना कहीं वोवल की लगातार कंटिन्यूसली दो वोवल्स की सीरीज आ जाती है, जैसे आई औ, इस तरीके से दो आई जाते हैं वोवल। जैसे मैंने कुछ इस एग्जांपल लिखे हैं, 5, तो इसमें 5, तो आई, इसमें दो वोवल्स आए हैं साथ में, ठीक है। चेयर, आइडिया, गियर, हियर, सिंक्रोनाइज, इसमें भी दो वोवल्स की साउंड आई है। उसके बाद हम मोनोथोंग की बात करते हैं। व्हाट इज़ मोनोथोंग? मोनोथोंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल। 5 हमारे लॉन्ग वोवल्स होते हैं और शॉर्ट हमारे 7 होते हैं। ये बस लर्न करने वाली बात है। और इसका एग्जांपल हमारा है कीप, जैसे लॉन्ग वोवल का कीप, ई यानी बहुत ही लॉन्ग वोवल है ये। शॉर्ट में आएगा लिव, ई है, ई की साउंड आई है जो वोवल की, वो बहुत ही कम आई है, तो लिव, ठीक है। ये तो हमारा था फोनेटिक्स के बारे में। और अब हम बात करेंगे मिनिमल पेयर्स, यानी कुछ जो वर्ड्स हैं उनके पेयर्स होते हैं, तो उनको क्या क्या नाम दिया जाता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे होमोनिम्स की। होमोनिम्स होती हैं ऐसे वर्ड्स, ऐसे दो शब्द जो कि सेम स्पेलिंग के होते हैं और सेम साउंड भी उनकी होती है, बट उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे आपको पता है रोज़ एक फ्लावर का नाम है, एंड सेकंड जो रोज़ होता है वो राइस का हमारा वर्ब का फॉर्म होता है, राइस का रोज़, ओके। फिर उसके बाद है बार्क, और एक है दूसरा बार्क। एक बार्क है जो डॉग बार्किंग करता है, भौंकता है, और दूसरा बार्क है हमारे पेड़ की छाल। फिर होमोनिम्स होते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग होती है जिनकी और सेम साउंड होती है, जैसे टू मीनिंग इनका हालांकि अलग ही होता है, बट इनकी साउंड सेम हो रही है और स्पेलिंग लेकिन डिफरेंट है, जैसे रीड और रेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है होमोग्राफ। होमोग्राफ का मतलब होता है ऐसे शब्द जो सेम स्पेलिंग के होते हैं बट दे हैव डिफरेंट साउंड, जैसे लिव एंड लाइव, तो ये दोनों की सेम स्पेलिंग है बट साउंड हैविंग डिफरेंट साउंड, दे आर हैविंग डिफरेंट साउंड, ओके। तो ये था मिनिमल पेयर्स। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको नीचे दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से पेयर मिनिमल पेयर से बिलोंग करता है। बार्क, एट, ईट, मीट, सी, ये आपको बताना है कौन से पेयर से बिलोंग करता है। इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं मिनिमल पेयर्स के पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी में, जो 15 मार्क के होते हैं सीटेट में। थैंक यू सो मच।